Respected listeners and dear students, assalamu alaikum and welcome to my YouTube channel, Let's Learn. Let's start the reading of chapter number 3 from page number 34. Chapter number 3 is MS Word 2010. We different features ke baare mein padh rahe the. Aaj jo hamara topic hai wo hai how to set page margins. Page margins kis tarah se set kiye jaate hain, yani page ke जो साइड्स पे लाइंस होती हैं पेज के एज पे, पेज के किनारे पे, वो किस तरह से सेट की जाती हैं. पेज मार्जिन इज़ अ ब्लैंक स्पेस अराउंड द एजेस ऑफ पेजेस एज यू हैव मार्जिन इन योर नोटबुक्स. सिमिलरली यू कैन सेट मार्जिन इज़ अ वर्ड डॉक्यूमेंट. इट मेक्स योर डॉक्यूमेंट नीट एंड टाइडी एज वेल रिप्रेजेंटेबल. यानी आपका जो पेज मार्जिन आप इसलिए सेट किए, जो पेज के किनारे होते हैं वहाँ पे जो आप ब्लैंक स्पेस छोड़ते हैं, ब्लैंक स्पेस होती है यहाँ पे लाइन लगा के इस तरफ जो किनारे पे जो ब्लैंक स्पेस होती है उसको कहा जाता है पेज मार्जिन. जिस तरह के आप अपनी नोटबुक में भी मार्जिन लाइंस लगाते हैं, इसी तरह से कि आपके जो डॉक्यूमेंट है उसको नीट एंड क्लीन और साफ़ सुथरा और ज़्यादा अट्रैक्टिव और प्रेजेंटेबल दिखाता है. यानी आप उसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, पेश कर सकते हैं. टू सेट मार्जिन्स फॉलो द गिवन स्टेप्स. क्लिक पेज लेआउट टैब. आपने पेज लेआउट टैब को क्लिक करना है. फर्स्टली सेकेंडली क्लिक मार्जिन्स फॉर फ्रॉम पेज सेटअप ग्रुप. आपने पेज सेटअप ग्रुप में से क्लिक करना है मार्जिन को. अ लिस्ट ऑफ ऑप्शंस अपीयर. सेलेक्ट एंड क्लिक द मार्जिन टाइप एज यू विश टू अप्लाई योर पेजेस. यानी आप फिर जितना जो भी मार्जिन सेलेक्ट करना चाहते हैं और जितना आपको रिक्वायर्ड है, जितना आप चाहते हैं उसको आप सेलेक्ट कीजिए और वो अप्लाई कर दीजिए और अप्लाई हो जाएगा आपके पेज पे. ये इस तरह से ये यहाँ से भी आप मार्जिन सेट कर, ये लेफ्ट मार्जिन है, ये राइट मार्जिन है. आप पेज लेआउट टैब को क्लिक करेंगे, दैन मार्जिन को क्लिक करेंगे. इसके बाद आपके पास ये मार्जिन आ गए, यानी जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं इसमें ये सिचुएशन हो जाएगी आपके पेज की. यहाँ और यहाँ और यहाँ कुछ भी नहीं लिखा है, सेंटर में होगा. जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं आप उस तरह से इसको सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से. नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू सेट पेज ओरिएंटेशन. ओरिएंटेशन मींस द लेआउट पोजीशन ऑफ द डॉक्यूमेंट. यानी आपका जो डॉक्यूमेंट है उसकी पोजीशन क्या होगी, किस तरह से होगा, वो ऐसे यूं होगा, हॉरिजॉन्टल होगा या वर्टिकल होगा, किस टाइप का होगा, लैंडस्केप होगा या पोर्ट्रेट होगा. ये चीज़ ओरिएंटेशन में सेलेक्ट की जाती है. यू कैन सेट द ओरिएंटेशन ऑफ योर डॉक्यूमेंट इन एम एस वर्ड. आप सेट कर सकते हैं अपनी ओरिएंटेशन एम एस वर्ड में. टू सेट पेज ओरिएंटेशन फॉलो द गिवन स्टेप्स. आपने ये स्टेप्स फॉलो करने हैं. क्लिक द पेज लेआउट टैब ऑन द रिबन. वही पेज लेआउट टैब जो आप हमेशा क्लिक करते हैं उसको क्लिक करेंगे. क्लिक ओरिएंटेशन, वहाँ से अब आपको ओरिएंटेशन पर क्लिक करना है जो कि पेज सेटअप ग्रुप में मौजूद है. अ लिस्ट ऑफ टू ऑप्शंस विल अपीयर, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप. दो ऑप्शन आ जाएंगे, पोर्ट्रेट चाहिए या लैंडस्केप आपको लेआउट चाहिए, आप उनमें से कोई भी क्लिक कर सकते हैं. बिल्कुल इस तरह से पिक्चर में नज़र आ रहा है. पेज लेआउट देन ओरिएंटेशन को क्लिक किया, फिर पोर्ट्रेट में आपका ये व्यू बनेगा और लैंडस्केप में आपका ये, यानी एक वर्टिकल है आपके पास और एक हॉरिजॉन्टल पेज लेआउट आ जाएगा. सेलेक्ट द एंड क्लिक द ऑप्शन यू वांट टू सेट फॉर योर डॉक्यूमेंट. जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं उसको आप सेलेक्ट कर लें, जो भी आपको ओरिएंटेशन में पेज चाहिए. रिक्वायर्ड सिलेक्शन के बाद इस तरह से आपका पेज जो भी आप सेलेक्ट करेंगे, लैंडस्केप होगा तो इस तरह से आ जाएगा, पोर्ट्रेट है तो आपका इस तरह से पेज सेटअप हुआ हुआ आपको नजर आएगा. नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू सेट अप पैराग्राफ स्पेसिंग. यानी जब आप कोई पैराग्राफ लिखते हैं तो उसके बीच में, उसकी लाइन्स में, उस पैराग्राफ, अगर दो पैराग्राफ्स हैं तो उनमें कितनी स्पेस रहनी चाहिए, किस तरह से आप स्पेस सेट करेंगे वो चीज़ इसमें सीखेंगे. पैराग्राफ स्पेसिंग इज स्पेस बिफोर और आफ्टर पैराग्राफ. यानी एक पैराग्राफ के से पहले और उसके बाद जो स्पेस है, जो खाली जगह है, उसको पैराग्राफ स्पेसिंग कहते हैं. इन अ यूज डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट आप यूज़ कर रहे हैं, जिसमें आप लिख रहे हैं, उसमें सपोज यू हैव रिटन मैनी पैराग्राफ्स इन योर डॉक्यूमेंट्स. पैराग्राफ स्पेसिंग अलाउज यू टू ऐड स्पेस अबव और बिलो सिलेक्टेड पैराग्राफ. यानी फर्ज करें कि आपने बहुत सारे पैराग्राफ्स लिखे हैं एक पेज में और आप पैराग्राफ स्पेस सेट करना चाहते हैं, तो उसे पैराग्राफ से पहले और बाद में जो भी खाली जगह होगी वो पैराग्राफ स्पेसिंग कहलाती है. टू सेट पैराग्राफ स्पेसिंग फॉलो द गिवन स्टेप्स. क्लिक एनीवेयर इन पैराग्राफ टू सेट स्पेसिंग बिफोर और आफ्टर इट. यानी जो भी आप पैराग्राफ जिसके
आफ्टर, उससे पहले या उसके बाद आप पैराग्राफ स्पेस सेलेक्ट करना चाहते हैं, यानी खाली जगह छोड़ना चाहते हैं, उस पैराग्राफ को आप सेलेक्ट कर लें। क्लिक द लेआउट टैब, क्लिक द एरो इन स्पेसिंग बिफोर और स्पेसिंग आफ्टर फ्रॉम पैराग्राफ ग्रुप टू सेट अप द स्पेस, यानी आप पेज लेआउट को क्लिक करेंगे फिर आपके पास स्पेसिंग आ जाएगी, फिर इसमें आप बिफोर और आफ्टर पैराग्राफ में से जो भी आप चाहें उसको सिलेक्ट कर लेंगे और वहाँ पे आप जितनी भी स्पेस आपको चाहिए, इतने पॉइंट्स की, ये देखिए पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, 12 पॉइंट्स, 0 पॉइंट्स, इस तरह से आप यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू सेट लाइन स्पेसिंग। अब लाइन्स के बीच में जो स्पेस है वो कैसे आप सिलेक्ट करेंगे, यानी आपने एक पैराग्राफ लिखा है जैसे ये है, इसके बीच में ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये लाइंस हैं, इनके बीच में कितनी स्पेस होनी चाहिए, कितनी खाली जगह होनी चाहिए। लाइन स्पेसिंग इज द स्पेस बिटवीन द लाइंस ऑफ द टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट। टू सेट लाइन स्पेसिंग फॉलो द गिवन स्टेप्स। सेलेक्ट द टेक्स्ट फॉर विच यू वांट टू सेट द लाइन स्पेसिंग, जो भी आप सेट टेक्स्ट जिसके लिए आप लाइन स्पेसिंग सेट करना चाहते हैं उसको आप सिलेक्ट कर लें। क्लिक द होम टैब ऑन द रिबन, फिर आपने होम टैब पे जाना है, यानी यहाँ रिबन पे जो टैब्स मौजूद हैं इसमें होम पे क्लिक करेंगे आप। क्लिक लाइन स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग का जो आइकन है इस पे आप क्लिक कर देंगे यहाँ। फ्रॉम पैराग्राफ ग्रुप अ लिस्ट अपीयर्स, अब ये लिस्ट अपीयर होगी। सेलेक्ट एंड क्लिक द स्पेसिंग यू वांट टू सेट बिटवीन द लाइंस, तो आप जो भी स्पेसिस में चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे आपको होती हुई वो नज़र आएगी, फिर जितनी आपको मुनासिब लगे स्पेस आप उतनी उसको सिलेक्ट करके वहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाउ टू इंसर्ट सिंबल्स, यानी सिंबल्स जो हैं आप किस तरह से ऐड कर सकते हैं, ये सिंबल्स होते हैं, ये किस तरह से ऐड किए जा सकते हैं। इन एमएस वर्ड देर आर स्पेशल सिंबल्स विच यू कैन इंसर्ट इन योर डॉक्यूमेंट। वर्ड डॉक्यूमेंट यानी आप अपने एमएस वर्ड में स्पेशल किस्म के, खास किस्म के सिंबल्स होते हैं, अलामतें होती हैं जिनको आप अपने डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं। टू ऐड सिंबल्स फॉलो द गिवन स्टेप्स। क्लिक इन द डॉक्यूमेंट वेयर यू वांट टू इंसर्ट द सिंबल, जिस डॉक्यूमेंट में आप सिंबल इंसर्ट करना चाहते हैं वहाँ पे क्लिक कीजिए। क्लिक द इंसर्ट टैब, फिर आप इंसर्ट टैब में जाएं, क्लिक सिंबल्स, ये आइकन होगा इसको ओमेगा कहते हैं, इस पर आप क्लिक करेंगे। फ्रॉम सिंबल ग्रुप, सिंबल ग्रुप में है ये, अ लिस्ट ऑफ सिंबल्स अपीयर इस तरह से यहाँ पे, यानी पहले आप इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे, फिर आप इस सिंबल पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से डिफरेंट सिंबल्स आ जाएंगे। मोर सिंबल्स, आपको इसके अलावा सिंबल्स चाहिए तो आप मोर सिंबल्स पे क्लिक कर सकते हैं। सेलेक्ट एंड क्लिक द सिंबल्स यू वांट टू इंसर्ट, द सिंबल्स विल गेट इंसर्टेड इन योर डॉक्यूमेंट। जो भी सिंबल्स आप सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपको चाहिए उनको सेलेक्ट कर लें, उसके बाद वो आपके डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू अप्लाई शेडो इफेक्ट्स टू द शेप, यानी आप किसी शेप पे शेडो इफेक्ट्स किस तरह से दे सकते हैं। टू अप्लाई शेडो इफेक्ट्स ऑन द शेप फॉलो द गिवन स्टेप्स। क्लिक ऑन द शेप टू सेलेक्ट इट, यानी जो भी शेप है आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। द फॉर्मेट टैब ओपन्स, फॉर्मेट टैब ओपन हो जाएगी। क्लिक ऑन द शेप इफेक्ट्स, फिर आप शेप इफेक्ट्स पर क्लिक करेंगे एंड फ्रॉम ड्रॉप डाउन मेन्यू क्लिक ऑन शेडो, तो जो मेन्यू आएगा उसमें शेडो पर क्लिक कर दें। क्लिक द स्टाइल्स यू वांट, यू विल सी द इफेक्ट ऑन द शेप, तो जो भी आपको रिक्वायर्ड आपको स्टाइल चाहिए आप उसको क्लिक करें और वो उस पर जो भी पिक्चर है उस पर अप्लाई हो जाएगा। जैसे ये पिक्चर थी, पहले इसको सिलेक्ट किया, फिर उसके बाद फॉर्मेट टैब, देन फॉर्मेट टैब में शेप इफेक्ट्स पे आए और यहाँ से शेडो पे आए। शेडो में आपको जो भी शेडो चाहिए आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू अप्लाई 3D इफेक्ट्स टू शेप्स, यानी शेप्स पे 3D इफेक्ट्स किस तरह से अप्लाई किए जा सकते हैं। अप्लाइंग 3D इफेक्ट्स मीन्स डिस्प्लेइंग द ऑब्जेक्ट इन 3 फुल डायमेंशंस, यानी 3D इफेक्ट्स का मतलब ये है कि आप तीनों तरफ से फुली जो सा है हर तरफ से आप इफेक्ट्स को किसी भी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। टू अप्लाई 3D इफेक्ट्स फॉलो द गिवन स्टेप्स। क्लिक ऑन द शेप टू सेलेक्ट इट, जो भी शेप आप जिस पे आप 3D इफेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लीजिए। द फॉर्मेट टैब ओपन्स, क्लिक ऑन शेप इफेक्ट्स फ्रॉम शेप स्टाइल ग्रुप, यानी फिर शेप इफेक्ट्स पे आप क्लिक करें शेप स्टाइल ग्रुप में जो मौजूद है। देन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू क्लिक ऑन द 3D रोटेशन फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ 3D इफेक्ट्स दैट अपीयर, यानी फिर आपने 3D रोटेशन पे क्लिक करना है। यू मे क्लिक
एंड सेलेक्ट एनी वन इफेक्ट फॉर द शेप ऑन द डॉक्यूमेंट. जो भी आपको इफेक्ट, जो भी आपको पसंद आए, जो भी आपको अच्छा लगे, उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए. फिर वो जो भी अफेक्ट होगा आपकी शेप पे अप्लाई हो जाएगा. ये इस तरह से, ये वहाँ पे ये वाला सिलेक्टेड है, ये शेप यू स्क्वायर था, ये जब सिलेक्ट किया गया इफेक्ट तो यहाँ पे ये इस तरह से बिल्कुल इस शेप में आ गया. इनमें से कोई भी आप चूज़ करेंगे तो उसी तरह की पिक्चर आपकी नज़र आएगी, ऑब्जेक्ट जो भी होगा. नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू चेंज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और इमेज. किसी इमेज की पोजीशन या किस तरह से चेंज की जा सकती है, किसी ऑब्जेक्ट की या इमेज की पोजीशन यानी जगह किस तरह से तब्दील की जा सकती है. यू कैन प्लेस एन ऑब्जेक्ट और इमेज एट डिफरेंट पोजीशंस एनीवेयर विद इन टेक्स्ट. यानी आप किसी भी जगह पे टेक्स्ट में अपने जो लिखी हुई तहरीर है उसमें आप इमेज को या ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं, लगा सकते हैं. दिस मेक्स योर डॉक्यूमेंट मोर अट्रैक्टिव एंड इनहेंस इट्स प्रेजेंटेशन. यानी ये आपका जो डॉक्यूमेंट है इसको ज़्यादा खूबसूरत और दिलकश बना देगा. टू चेंज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फॉलो द गिवन स्टेप. ये स्टेप्स फॉलो करने हैं. क्लिक ऑन द ऑब्जेक्ट और इमेज टू सेलेक्ट इट. जो भी इमेज आप सेलेक्ट करना चाहते हैं उसको पे क्लिक कीजिए. द फॉर्मेट टैब ओपन, फॉर्मेट टैब ओपन हो जाएगी. देन सेकेंडली आपने क्या करना है, क्लिक ऑन द पोजीशन एरो. अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट स्टाइल लेआउट अपीयर. इस तरह से फॉर्मेट के बाद यहाँ पे क्लिक किया और फिर ये चीज़ अपीयर होगी. अब आप ये सिलेक्ट करेंगे तो इमेज आपका साइड पे आ जाएगा, बाकी सारा टेक्स्ट इस तरह से लिखा हुआ आएगा. इनमें से कोई और ये सिलेक्ट करेंगे तो इमेज आपका सेंटर में होगा और बाकी सारा यूं लिखा हुआ आएगा. सिलेक्ट एंड क्लिक द स्टाइल यू वांट टू अप्लाई टू द इमेज. यू विल सी द पोजीशन ऑफ द इमेज हैज़ बीन चेंज अकॉर्डिंग टू योर सिलेक्शन. यानी जो भी आपको स्टाइल पसंद आया आप उसको क्लिक करें, जो आप चाहते हैं उसको क्लिक करें. उसके बाद आप देखेंगे कि आपके जो सिलेक्शन के अकॉर्डिंग आपके डॉक्यूमेंट में जो आपका इमेज है वही उसकी जगह, वही उसका प्लेस बनेगा. नेक्स्ट ये यूज की टर्म्स है. ये की टर्म्स आप शॉर्ट क्वेश्चंस में से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, एक ही बात है. यूजफुल शॉर्टकट्स भी आप करेंगे, डिफरेंट जो शॉर्टकट कीज हैं उनके क्या फंक्शन है वो सब उसके आगे लिखा है. यानी कंट्रोल प्लस जी टू अनडू एन एक्शन, कंट्रोल प्लस वाई यानी कोई आपने जो काम किया है उसको अनडू करना है यानी वो आप ख़त्म करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल प्लस जी को क्लिक कर सकते हैं. इसी तरह से डिफरेंट आपके पास कीज के शॉर्टकट्स मौजूद हैं. एक्सरसाइज है, ये पिक्चर है. इज आइकॉन ऑफ डैश, तीन ऑप्शन है यहाँ से. पोजीशन इनमें से करेक्ट है, इसको यहाँ से आप टिक भी कर लेंगे और यहाँ पर लिखेंगे. लाइन स्पेसिंग इज प्रेजेंट इन डैश ग्रुप. तो ये पैराग्राफ ग्रुप में है. डैश इज दिस वन. ओमेगा इज प्रेजेंट इन डैश टैब. इंसर्ट पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर टू टाइप्स ऑफ पेज ओरिएंटेशन. डी इन 3D रिप्रेजेंट्स डायमेंशनल. कंट्रोल प्लस एस शॉर्टकट इज यूज टू डैश द डॉक्यूमेंट, सेव द डॉक्यूमेंट. यानी किसी डॉक्यूमेंट को आपने सेव करना है तो आप कंट्रोल प्लस एस को क्लिक करेंगे. ब्लैंक्स एंड नेक्स्ट ब्लैंक्स हैं. डैश इज अमाउंट ऑफ स्पेस बिफोर और आफ्टर अ पैराग्राफ. द पैराग्राफ स्पेसिंग लाइन स्पेसिंग ऑप्शन इज प्रेजेंट इन डैश टैब. होम टैब रोटेट ऑप्शन इज प्रेजेंट इन डैश टैब. फॉर्मेट यू कैन ऑल्सो चेंज शैडो डैश टू इन्हांस योर डॉक्यूमेंट अपियरेंस. तो यहाँ पे आ जाएगा कलर्स. नेक्स्ट है टिक क्रॉस. टिक द करेक्ट एंड क्रॉस द रॉन्ग वंस. व्हेन यू इंसर्ट द वर्ड टेक्स्ट व्यू टैब ऑटोमेटिकली अपियर्स क्रॉस. सिंबल्स कैन बी एडेड यूजिंग इंसर्ट टैब. ये दुरुस्त है, टिक है ये. यू कैन ड्रा एज मैनी लाइन्स एंड एरोज इन डॉक्यूमेंट. यस ये ट्रू है, टिक करेंगे इसको. पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर टू टाइप्स ऑफ पैराग्राफ सेटअप. ये गलत है, ये पेज ओरिएंटेशन के टाइप्स हैं. कंट्रोल प्लस जी इज यूज टू अंडू एन एक्शन. ये करेक्ट है, टिक करेंगे. यू कैन नॉट सेट पेज मार्जिन इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट क्रॉस. ये गलत स्टेटमेंट है. नेक्स्ट है मैच द कॉलम्स. ये सारी जितनी भी कमांड्स हैं आपने इनको इनके फंक्शन के साथ मैच करना है. तो फर्स्ट है जी, ये है, ये शो कर रहा है टू इंसर्ट वर्ड आर्ट. ये है टू सेट पैरा पेज मार्जिन.
ये शो कर रहा है टू चेंज इमेज पोजिशन, ये शो कर रहा है टू रोटेट एन इमेज, नेक्स्ट शो कर रहा है टू इंसर्ट सिंबल्स, नेक्स्ट शो कर रहा है टू सेट पैराग्राफ स्पेसिंग। इसको यहाँ पे स्टॉप करेंगे, क्वेश्चन आंसर आप अकॉर्डिंग टू डायरी इसको प्रिपेयर करेंगे नोट्स से। इसमें कोई अगर आपको डिफ़िकल्टी नज़र आती है तो आप उसको पूछ सकते हैं। विच यू बेस्ट ऑफ लक एंड अल्लाह हाफिज़।